Hello everyone, I, Pranali Thumbe from Department of Electrical Engineering, NIT Polytechnic, Nagpur. In this video, we are going to discuss about topic photometry. But before discussing this topic, let us have a look on what we have learned in previous video. Let us have quick review on what we have learned in previous video. हम फोटोमेट्री का कॉन्सेप्ट इस वीडियो में पढ़ेंगे, पर उसके पहले हमने इसके पहले के वीडियो में क्या पढ़ा था उसका एक क्विक रिवीजन लेंगे. सो इन प्रीवियस वीडियो वी डिस्कस अबाउट फीचर्स ऑफ गुड एलिमिनेशन एंड एडवांटेजेस ऑफ गुड एलिमिनेशन. सो फर्स्ट इज फीचर्स ऑफ गुड एलिमिनेशन. पहले वीडियो में हमने देखा था कि अच्छे इल्यूमिनेशन के क्या क्या फीचर्स होते हैं. इन दैट फर्स्ट वन इज इकोनॉमी, सेकंड इज लाइफ, थर्ड इज कंफर्ट, फोर्थ इज लेस फ्लिकर, फिफ्थ इज अपियरेंस, सिक्स्थ इज मेंटेनेंस, सेवेंथ इज लेस ग्लेयर. दीज आर दी फीचर्स ऑफ गुड इल्यूमिनेशन. नेक्स्ट We discuss about advantages of good illumination. Good illumination के क्या क्या advantages है वो हमने देखा. So, the advantages of good illumination are good illumination provide favorable atmosphere in working condition. It avoid accident. So, हमने देखा था कि good illumination के ये advantages है कि अगर illumination अच्छा है, हम जिस जगह पर काम कर रहे हैं वहाँ पर अगर इल्यूमिनेशन अच्छा है तो वहाँ पर एक अच्छा एटमॉस्फेयर बनता है. काम करने में जो इफिशिएंसी होती है काम करने की वो ज्यादा होती है, और अच्छा इल्यूमिनेशन होने के कारण वर्किंग प्लेस पर कोई एक्सीडेंट भी नहीं होता या फिर एक्सीडेंट कम होते हैं. नाउ लेट अस मूव टूवर्ड्स द कॉन्सेप्ट ऑफ फोटोमेट्री. Before that, we will discuss about learning outcomes. So, the first one is, after watching this video, student will be able to describe the concept of photometry and the uses of photometry. ये वीडियो देखने के बाद आपको पता चलेगा कि photometry यानी क्या है और photometry कहाँ कहाँ use होता है. So, First, we will discuss about photometry. The meaning, before going in depth, we will first discuss about the meaning of the word photometry. हम सबसे पहले photometry ये word का क्या मतलब होता है यह देखेंगे. अगर हमने photometry word को दो हिस्सों में divide किया, first word photo and second word is metry, तो इसमें जो photo का meaning होता है वो होता है लाइट, और मेट्री का मीनिंग होता है मेजरमेंट. यानी इससे हम ये बोल सकते हैं कि फोटोमेट्री ये वर्ड का मीनिंग होता है मेजरमेंट ऑफ लाइट, यानी लाइट को मापना. फोटोमेट्री का मीनिंग होता है लाइट को मापना. नाउ वी विल डिस्कस इन डेप्थ अबाउट फोटोमेट्री. सो The science of measurement of light is known as photometry. यानी light को मापने की जो टेक्निक है, ये जो प्रक्रिया है, उसे हम क्या कहते हैं? Photometry. Next is, it is also measured human visual response to light. अब human जो है, human eye अलग-अलग प्रकार का विजुअल रिस्पांस देखता है, उसमें वो लाइट भी देखता है. तो ये लाइट का जो मेजरमेंट है, यानी लाइट के जो रिस्पांस ह्यूमन आई पे पड़ते हैं, उसको मापने का काम भी फोटोमेट्री करता है. नेक्स्ट, द ह्यूमन आई रिएक्ट डिफरेंटली टू डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट. अब जो लाइट होती है उसकी वेवलेंथ होती है. लाइट हमेशा साइनोसॉइडल वेव में फ्लो होती है. अब साइनोसॉइडल वेव में क्रेस्ट होता है, ट्रफ होता है, यानी मैक्सिमम पॉइंट और मिनिमम पॉइंट. सो
दो मैक्सिमम पॉइंट के बीच में का जो डिस्टेंस होता है हम उसको बोलते हैं वेवलेंथ, और ये वेवलेंथ हम डिनोट करते हैं लैम्बडा से। अब हर एक लाइट कलर के लाइट का वेवलेंथ अलग-अलग होता है, तो ह्यूमन आई जो है वो अलग-अलग कलर के लाइट पे अलग-अलग रिएक्ट होता है, और हर एक कलर के लाइट का वेवलेंथ भी डिफरेंट होता है। नेक्स्ट इज फोटोमेट्री डिपेंड्स ऑन दिस फिनोमिनन ऑफ हाउ सेंसिटिव ह्यूमन आईज इज फॉर अ वेवलेंथ। फोटोमेट्री उस पे डिपेंड, ये मेजरमेंट ऑफ लाइट उस पे डिपेंड करता है कि ह्यूमन आई किस प्रकार अलग अलग वेवलेंथ के जो लाइट रेज है उनको किस प्रकार सहन करता है, या उस पर किस प्रकार अपनी प्रतिक्रिया देता है, उस पे फोटोमेट्री का जो कॉन्सेप्ट है वो डिपेंड करता है। अ स्टैंडर्ड मेजर ऑफ द रिस्पॉन्स ऑफ द ह्यूमन आई टू लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ इज नोन एज ल्यूमिनोसिटी फंक्शन। अब ये अलग अलग कलर के जो लाइट रेज है उसका जो अलग उसके जो अलग अलग वेवलेंथ्स है उन उन उनको ह्यूमन आई कैसे रिस्पॉन्स देता है, इस कॉन्सेप्ट को भी हम ल्यूमिनोसिटी फंक्शन कहते हैं। द मेन फिजिकल क्वांटिटीज इन फोटोमेट्री आर द फर्स्ट वन इज द ल्यूमिनस इंटेंसिटी ऑफ द सोर्स। अब फोटोमेट्री में जो मेन क्वांटिटीज इन्वॉल्व होती है, यानी फोटोमेट्री यानी मेजरमेंट ऑफ लाइट में जो मेन क्वांटिटीज इन्वॉल्व होती है वो है, फर्स्ट वन इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी, सेकेंड इज ल्यूमिनस फ्लक्स, एंड थर्ड इज इल्यूमिनेशन। ल्यूमिनस इंटेंसिटी यानी होता है द रेशियो ऑफ ल्यूमिनस फ्लक्स टू द यूनिट एरिया, यानी ल्यूमिनस फ्लक्स का रेशियो यूनिट एरिया का, ल्यूमिनस फ्लक्स अपॉन यूनिट एरिया का जो रेशियो होता है उसे हम बोलते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी। उसी तरह ल्यूमिनस फ्लक्स यानी होता है, इट इज डिफाइंड एज टोटल लाइट एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड फ्रॉम अ लाइट सोर्स, यानी एक सेकेंड में कितनी लाइट एनर्जी एक लाइट लैम्प सोर्स या लाइट सोर्स रेडिएट करता है उसको हम बोलते हैं ल्यूमिनस फ्लक्स, और थर्ड इज इल्यूमिनेशन। सो ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस फ्लक्स और इल्यूमिनेशन, ये तीन इम्पॉर्टेंट क्वांटिटीज है फोटोमेट्री के लिए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ फोटोमेट्री। अब ये फोटोमेट्री यानी मेजरमेंट ऑफ लाइट का जो कॉन्सेप्ट है ये कौन सी कहाँ कहाँ पर यूज होता है। फोटोमेट्री इज ऑफन यूज्ड इन द स्टडी ऑफ लिक्विड एंड सॉल्यूशन इन केमिस्ट्री। फोटोमेट्री का जो कॉन्सेप्ट है वो केमिस्ट्री में लिक्विड और सॉल्यूशंस के स्टडी करने में यूज होता है। नेक्स्ट, फोटोमीटर्स कैन हेल्प मेजर मासेस ऑफ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल इन अ सॉल्यूशन और लिक्विड। अब फोटोमीटर्स जो होते हैं वो ऑर्गेनिक मास और इनऑर्गेनिक मटेरियल एक कोई भी सॉल्यूशन और लिक्विड में कितना है ये गिनने के काम आते हैं। नेक्स्ट, इन एस्ट्रोनॉमी फोटोमेट्री इज यूटिलाइज्ड बाय अप्लाइंग फिल्टर्स टू रिस्ट्रिक्ट सर्टन वेवलेंथ्स एंड अलाइन अदर डिजायर्ड वेवलेंथ थ्रू टू मेजर। फोटोमेट्री का कॉन्सेप्ट जो है वो एस्ट्रोनॉमी में भी यूज होता है। फोटोमेट्री प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अलाउिंग साइंटिस्ट टू ऑब्जर्व एंड कैप्चर इमेजेस ऑफ सेलेस्टियल बॉडी। स्पेस में जो सेलेस्टियल बॉडीज होती है उनको ऑब्जर्व करने में या उनकी तस्वीरें खींचने में भी फोटोमीटर्स जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं।